उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में छापेमारी के दौरान नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां टीम ने नकली खाद सहित मटेरियल को भी बरामद किया। यहां पे जो कुछ लोग खाद बनाने के काम में संलिप्त थे, उसमें से 15-20 लोग यहां मौके पे उपस्थित पाए गए हैं, उनको बैठाया गया है और अभी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर के पास में चल रहा था, इससे पहले भी जांच भी यहां पर सरकारी कर चुके थे, तो आखिरकार इतनी बड़ी कैसे हो गया? देखिए, मुझे तो आज सुबह ही जानकारी मिली है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में संयुक्त टीम बनाकर उनके निर्देश पर ही छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। केवल इसमें कोई कर्मचारी होगा संलिप्त है, ऐसा लग रहा है। ये पुलिस विवेचना का विषय है, विवेचना के बाद ही इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई तथ्य बताया जा सकता है। मैम, जो कोई मटेरियल यहाँ पे दिखा, क्या क्या मटेरियल है, मोरंग है क्या? मटेरियल जैसा आप लोग भी देख सकते हैं, वो मोरंग है, चूना है और गेरू है, और रॉ मटेरियल के रूप में यही तीन चीजें मिली है। बाकी जो बोरियों में मटेरियल है उसकी सैंपलिंग की जा रही है, सैंपलिंग में जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि रॉ मटेरियल में इन तीनों चीजों के अलावा क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही थी। मैम, फैक्ट्री का मालिक कौन है, उसकी कोई लोकेशन? यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसके द्वारा मालिक का नाम मनीष गुप्ता बताया गया है, और इस फैक्ट्री का नाम गोविंद इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानकारी के अनुसार जो मालिक है वो गोला तहसील का रहने वाला है। बाकी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, विवेचना करेगी। नीरज गुप्ता सर, निर्मल लगा, नीरज गुप्ता। अच्छा, कौन सी सिक्योरिटी से हो? अच्छा, कब से जो है कर रहे हो? सर, हम कल से आए हैं, कल से ही ज्वाइन किया। सब लोग जो है कल से ही आए सर? कंपनी से ही कल ज्वाइन किया, यहाँ पे दूसरा आदमी था, ये चौकीदार हमारे, कल इनसे पूछे, कल ही से भरते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही है एवं विभिन्न ब्रांड के पैकेटों में बोरियों में पैक करके इसको बेचा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी खीरी, COCD एवं जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा आज यहां पर इस परिसर में छापेमारी की गई है और भारी मात्रा में यहां पर नकली खाद जो विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के बोरों में पैक पाई गई है और काफ़ी मात्रा में यहाँ केमिकल भी बरामद हुए हैं। इस पे सभी की सैंपलिंग कराकर सबकी काउंटिंग करके फट तैयार की जा रही है। मौके पे जब भी यहाँ पे रेड डाली गई उसी समय यहाँ पे कुछ कर्मचारी यहाँ से भाग गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पूरे परिसर को काउंटिंग कराकर इसको परिसर को सील किया जाएगा, उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।